बसीर गेमिंग, ये नाम तो आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। अगर शॉर्ट्स देखते हो तो ये चेहरा भी आपने कभी ना कभी देखा ही होगा, क्योंकि ये बंदा फ्री फायर का वन ऑफ द ओल्डेस्ट शॉर्ट क्रिएटर है। मतलब जब से यूट्यूब में शॉर्ट वाला फीचर आया था तब से ये बंदा रेगुलर शॉर्ट अपलोड करता था, और इसने अपने चैनल पर करीब 10 मिलियन सब्सक्राइबर भी कर दिए थे। बाकी इसके सेकंड चैनल पे भी 5 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर थे, और थर्ड चैनल पे भी 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर थे। लेकिन ये सारे चैनल अभी के टाइम पे आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि बसीर भाई के सारे चैनल डिलीट हो गए हैं। पहला बसीर गेमिंग, सेकंड बसीर भाई, और थर्ड चैनल दीपेश जोशी नाम से था, जो कि बसीर गेमिंग का रियल नेम है। हालांकि वो सारे चैनल पर फ्री फायर की वीडियो ही अपलोड करते थे, बट अचानक से उनके सारे चैनल डिलीट हो गए। और ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीजन है, वो भी बताता हूँ। तो गाइस, पिछले करीब 3-4 महीने से बसीर भाई लगातार कुछ बेटिंग साइट्स और बेटिंग एप्स का प्रमोशन करने पे लगे थे, जिनमें से कुछ एप्स तो लाइसेंस वाले थे, मतलब लीगल थे, लेकिन कुछ एप्स ऐसे भी थे जो कि टोटली इलीगल थे। अब मैं इसमें ज्यादा डीप तो नहीं जाऊंगा, बट ये मान के चलो काफी सारे एप्स का भाई ने प्रमोशन किया था पिछले कुछ मंथ्स में, लेकिन उतने टाइम से कुछ हुआ नहीं और अचानक से कल ही चैनल डिलीट क्यों हुआ, आप लोग भी यही सोच रहे होंगे। तो भाई, हाल ही में 21 मार्च 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए एक एडवाइजरी निकल के आई थी, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर बेटिंग या गेमलिंग वगैरह को प्रमोट करेगा तो उनका वीडियो या फिर अकाउंट ही डिलीट कर दिया जाएगा। और ये रूल नया नया आया है, तो अभी काफी सारे चैनल को यूट्यूब वाले वेरीफाई कर रहे होंगे। जिसने भी ऐसा कुछ किया है उन सबके चैनल को खतरा है। बाकी आपका एक और डाउट होगा, अगर ऐसी बात थी तो बसीर भाई का एक ही चैनल डिलीट होना चाहिए, बाकी सारे कैसे हो गए। पहले तो आपकी बात सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद भाई ने सारे चैनल को एक ही एडसेंस अकाउंट में कनेक्ट करके रखा था, जिस वजह से उनके एक चैनल से दूसरे और तीसरे चैनल का कनेक्शन पाया गया, तो इस चक्कर में यूट्यूब ने उन सबको भी उड़ा दिया। बाकी उम्मीद है भाई ने अपील कर दी होगी तो शायद चैनल वापस आ जाए, वैसे चांसेस तो बहुत कम है, क्योंकि आपको पता ही होगा मेरा भी विदाउट रीजन एक चैनल डिलीट हुआ था, जिसपे करीब 2 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर थे, और उस चैनल पे मैंने बैटिंग ऐप तो छोड़ो कोई वीडियो तक नहीं डाली थी काफी टाइम से, फिर भी डिलीट हो गया, और अपील करने पर भी वापस नहीं आया। शायद मेरे किसी दुश्मन ने मास रिपोर्टिंग करवाई हो, लेकिन छोड़ो, जाने दो, आप लोग अभी भी सपोर्ट में खड़े हो तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। फिलहाल तो पता नहीं बसीर भाई किस हालत में होंगे, मेरी उनसे बात तो नहीं होती, बट मैं करके देखूंगा, फिर शायद भाई नया चैनल क्रिएट करे तो उस पे भाई को सपोर्ट कर देना, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में इंसान अंदर से टूट जाता है। बाकी भाई लोग, आप में से कोई भी यूट्यूबर है तो इस बात का ध्यान देना, कोई भी एप्स बिना वेरीफाई किए प्रमोट मत करना। मुझे हर दिन हजारों मेल्स आते हैं बहुत सारे बेटिंग एप्स के, जो कि हजारों लाखों रुपए देने के लिए तैयार रहते हैं, बट उन रुपयों का क्या फायदा जिससे ऑडियंस का घाटा हो और एट द एंड आपका चैनल भी उड़ जाए। लालच बुरी बला है भाई, कम पैसा मिले बट ऐसा ऐप का प्रमोशन करो जो रियल हो और ऑडियंस को भी उसमें फायदा हो। एंड मैं फिर से बोल रहा हूँ, बेटिंग या गैम्बलिंग एप्स का प्रमोशन करने से पहले 100 बार सोच लेना, कहीं थोड़े से पैसे के लालच में आके अपने चैनल से हाथ ना धो बैठो। बाकी गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना अपने चैनल का भी।